लॉकडाउन टू में भी खुले रहेंगे बैंक, कैपिटल और डेट मार्केट। 20 अप्रैल से आईटी कंपनियों को आधे कर्मचारियों के साथ खोलने की मंजूरी। किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट। कृषि उपकरणों की दुकानें, मरम्मत स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खोलने की मिली अनुमति। ग्रामीण भारत में कारखानों को खोलने का निर्देश। मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी गई। सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता। खाने पीने, दवा बनाने वाली कंपनियों को भी मिली राहत। डेली वेजर्स, प्लम्बर, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियन और मोटर मैकेनिक्स को भी दी गई है छूट। लॉकडाउन टू में एयरलाइंस नहीं रिफंड करेंगी पैसा। गैर किसी अतिरिक्त शुल्क के नई तारीख के लिए मिलेगा टिकट। मार्च में महंगाई दर घटकर 1% भी। फरवरी में 2.26% थी थोक महंगाई दर। शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले का किया स्वागत। SCAI ने सेक्टर में काम करने वाले 1.25 करोड़ लोगों के लिए मांगा राहत पैकेज। IMF ने दुनिया भर के देशों को मेडिकल उपकरणों के निर्यात पर बैन ना लगाने को कहा। कोरोना से सर्जिकल मास्क, गाउन और वेंटिलेटर्स की मांग में इजाफा। अमेरिका ने WHO को सालाना दी जाने वाली $500 मिलियन की मदद रोकी। कहा कोरोना के मामले में WHO की लापरवाही आई सामने। और इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए अमेरिका में बनाए गए ग्रुप्स में 6 अमेरिकी भारतीय शामिल। ट्रंप ने गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला को किया सम्मानित।